Hello India, welcome to Indian AI Production, Machine Learning Beginner to Professional Hands-on Python Course in Hindi के आज के इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे Machine Learning Lifecycle को। इसे आप Machine Learning Process Flow भी कह सकते हैं। इसमें हम Machine Learning की Complete Process को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Machine Learning Lifecycle में कौन कौन से Processes होते हैं। तो First Step है Define Project Objectives, उसके बाद Data Collection, Data Pre-Processing, Data Visualization, Model Selection, मॉडल बिल्डिंग एंड लास्ट में डिप्लॉयमेंट या मॉडल डिप्लॉयमेंट। तो चलिए इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले आपको ये स्पेसिफाई करना है कि क्या बिजनेस प्रॉब्लम है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिससे कस्टमर के लिए हम वैल्यू क्रिएट कर सकें, उन्हें सेटिस्फाई कर सकें, जिससे बिजनेस की ग्रोथ हो। अब प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन। प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है उसे गैदर करना या कलेक्ट करना। डेटा कलेक्शन के वैरायटी ऑफ सोर्सेस होते हैं, इसमें टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी डेटा। ये डेटा ओरिजिनल डेटा होता है जो रिसर्चर या यूजर जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है। ये डेटा कलेक्शन का फर्स्ट हैंड सोर्स होता है। अब सेकेंड है सेकेंडरी डेटा। अगर डेटा यूजर के अलावा किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कलेक्ट किया गया हो तो उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ऐसे डेटा स्टैटिस्टिकल प्रोसेस या सम मॉडिफिकेशंस के थ्रू पास होकर यूजर को दिए जाते हैं। तो अब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन इस रॉ डेटा में इम्प्योरिटीज होती हैं, मतलब इंटीजर वैल्यूज के बीच में टेक्स्ट का होना, कुछ वैल्यूज मिस होना एटसेट्रा, और इनकंसिस्टेंसी होती है, मतलब डेटा ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता या प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता। तो ऐसे डेटा पर काम नहीं किया जा सकता, इसलिए हम डेटा कलेक्शन के बाद करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग में रॉ डेटा या ओरिजिनल डेटा को प्योरीफाई करते हैं, सही प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए पाइथन लाइब्रेरीज जैसे numpy, pandas और scikit-learn का यूज करते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में फर्स्ट स्टेप है डेटा क्लीनिंग। इस पार्ट में जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फिल करते हैं, उनके जगह nan या जीरो का यूज करते हैं। कोई रो जिसका हेडिंग नहीं है, लेबल नहीं है, उसको इग्नोर करते हैं या रिमूव करते हैं, और जो भी इररिलेवेंट डेटा है उसको रिमूव करते हैं। और उसके बाद हम करते हैं स्मूदिंग नॉइजी डेटा। नॉइजी डेटा का मतलब मीनिंगलेस डेटा या करप्टेड डेटा। नॉइजी डेटा को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। माना आपके पास एक डेटा है जिसमें R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड, स्टेट और प्रॉफिट के कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर आप रेड कलर में देख रहे हैं प्रॉफिट को, इसका मतलब प्रॉफिट जो है बाकी सभी कॉलम से इंपॉर्टेंट कॉलम होता है किसी बिजनेस के लिए। किसी बिजनेस के लिए प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट होता है, ना कि R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड, स्टेट। तो वो प्रॉफिट जिस पर बिजनेस डिपेंड करता है इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल। तो प्रॉफिट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल, और बाकी सारे कॉलम्स होंगे फीचर्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फीचर हो जो डिपेंडेंट वेरिएबल से कोई भी रिलेशन ना रखता हो तो वो नॉइस क्रिएट करता है। तो उस स्थिति में हमको क्या करना है, उस कॉलम को डिलीट करना है या रिमूव करना है, नॉइस को कम करना है। अब डेटा क्लीनिंग के बाद हम करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें नॉर्मलाइजेशन एक पार्ट है, जिसमें फीचर स्केलिंग करते हैं। इसमें हम scikit-learn लाइब्रेरी का यूज करते हैं। नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर फीचर स्केलिंग करते हैं हम। देन हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हैं, जैसे 3D डेटा को 2D डेटा में कन्वर्ट करना। तो इस प्रकार हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में डेटा को एनालाइज करते हैं, इसको डेटा एनालिसिस भी बोल सकते हैं। अब जो हमने डेटा को स्प्लिट किया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम नेम देते हैं एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल को नेम देते हैं वाई। अब हम एक्स और वाई दोनों में रिलेशन को पता करने के लिए करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब यहाँ हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं टेबल्स, पाई चार्ट, ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, हीट मैप एक्सेट्रा में। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन लाइब्रेरी जैसे मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड का हम यूज करते हैं। विजुअलाइज करके हम डेटा से वैल्यू क्रिएट करते हैं, न्यू पैटर्न्स को डिस्कवर करते हैं और यूजफुल इंसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एनालिसिस के जैसे है, यहाँ हम कंपेयर करते हैं डेटा को और फाइंड आउट करते हैं रिलेशनशिप्स को एक्स एंड वाई वेरिएबल के बीच में। अब डेटा को हमने विजुअलाइज कर लिया, रिलेशन पता कर लिया एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉडल सिलेक्शन। अब ये पता करना है कि आपको कौन से एल्गोरिथम का यूज करना है फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। जैसे अगर आपको प्रिडिक्शन करना है न्यूमेरिक वैल्यूज के रूप में तो आप यूज करोगे लीनियर रिग्रेशन,
और अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, क्लासिफाई करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक क्लास या ग्रुप को, इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, तब आप यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट। और क्लस्टरिंग करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे के मींस क्लस्टरिंग का। तो इस तरह अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मॉडल सिलेक्शन करना है। अब एल्गोरिथम सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग में एल्गोरिथम का यूज करके डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में, लाइक 70-30, 80-20 में। मतलब आपके डेटा के 70% पार्ट को ट्रेनिंग फेज के लिए स्प्लिट करते हैं, जिसमें आपका मॉडल ट्रेन होता है, और बाकी 30% डेटा को टेस्टिंग फेज के लिए स्प्लिट करते हैं, जिसमें उस ट्रेंड मॉडल की टेस्टिंग होती है। ये प्रोसेस हो जाने के बाद मॉडल से हम प्रेडिक्शन करते हैं, आउटपुट निकालते हैं। अगर प्रेडिक्शन एक्यूरेट ना हो तो मॉडल फिर से ट्रेन होता है और उसकी टेस्टिंग होती है फिर से, और तब तक ट्रेन होता रहता है जब तक कि प्रेडिक्शन एक्यूरेट ना हो जाए। और इस तरह मॉडल खुद को इम्प्रूव करता रहता है अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड आउटपुट। अब मॉडल तैयार हो गया प्रेडिक्शन करने के लिए, बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब आती है मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज, डिप्लॉयमेंट या मॉडल डिप्लॉयमेंट। इंटीग्रेट मशीन लर्निंग मॉडल इनटू एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन एनवायरमेंट। मतलब मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोडक्शन एनवायरमेंट में डिप्लॉय करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। तो मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल या प्रोसेस फ्लो इस प्रकार होती है। तो अब हम इन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं समरी में। सबसे पहले हमने मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल को समझा, उसके बाद हमने हर एक पॉइंट को समझा। उसमें पहला पॉइंट था डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को हमने क्लियर किया प्रोजेक्ट के। फिर उसके बाद हमने देखा डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन में हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को समझा कि क्या होता है। उसके बाद डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन को किया। उसके बाद डेटा विजुअलाइज किया, विजुअलाइजेशन टेक्निक जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ, हीट मैप। उसके बाद हमने मॉडल सिलेक्शन किया, कौन से एल्गोरिथम, कौन से मॉडल उस डेटा के लिए परफेक्ट है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एटसेट्रा। उसके बाद हमने मॉडल को बिल्ड किया, एल्गोरिथम्स का यूज करके मॉडल को बिल्ड किया। उसके बाद मॉडल को डिप्लॉय किया, अब आपका मॉडल तैयार हो गया, अब उसके बाद हमने उसको डिप्लॉय कर दिया। तो ये था मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल या मशीन लर्निंग प्रोसेस फ्लो। तो अब आप समझ गए होंगे कि मशीन लर्निंग में मॉडल कैसे बिल्ड करते हैं और कैसे डिप्लॉय करते हैं, किन एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।